राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय बीमारी अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, और राष्ट्रीय उपचार थोड़ी देर सो लो फिर अच्छा लगेगा। हंसते रहा करो दोस्तों, चिंता करने के लिए आगे बुढ़ापा भी आएगा। दिवाली के रॉकेट को देखकर यह एहसास हुआ है कि अगर जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो बोतल का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। जिंदगी ने जितने भी गम दिए, हमने चाय पी के सब खत्म किए। विदेशी महिलाएं चांद पर जाकर रिसर्च करती हैं, भारत की महिलाएं चांद को देखकर अपने पति की उम्र का रिचार्ज कराती हैं। वाह, जो लड़कियां कहती हैं कि मुझे शादी नहीं करनी, सबसे ज्यादा बच्चे उन्हीं के होते हैं। लड़की, तुम्हारा मोबाइल बहुत बढ़िया है, कितने का है? लड़का, रेस में जीता है। लड़की, कितने लोग थे रेस में? लड़का, मोबाइल शॉप का मालिक, तीन पुलिस वाले और मैं। सांवला होने के बजाय अगर मैं पिंक या पर्पल कलर का होता तो शायद मेरी एक आधी तो गर्लफ्रेंड बन जाती। पति पेप्सी को सामने रख के उदास बैठा था, पत्नी आई और पेप्सी पी गई और बोली, आज आप उदास क्यों हैं? पति, आज तो दिन ही खराब है, सुबह तुमसे झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा, बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, अब सुसाइड करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया था, वो भी तुम पी गई। सन्नाटा तो क्लास में तब हुआ था जब एक लड़की आई एम प्रेजेंट सर की जगह आई एम प्रेग्नेंट सर बोल गई। एक आदमी अपनी ससुराल गया, उसकी सास ने 7 दिन तक पालक का साग खिलाया, फिर 8वें दिन सास, बेटा क्या खाओगे? आदमी, खेत दिखा दो, खुद चराऊंगा। किसी लड़की को इतने मैसेज भी मत करो कि वो खुद को करीना और तुम्हें कमीना समझने लगे। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहशी, चांद ने कहा, सुन बे ढक्कन, सबसे पहली बात मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूं, दूसरी बात यहाँ इतने ऊपर से कुछ बराबर दिखता भी नहीं, और तीसरी बात तुम लोग ये लौंडियाबाजी जमीन तक ही रखो, मुझे बीच में घसीटा तो पत्थर फेंक के सर फोड़ दूंगा। लड़कियां लंबे नाखून इसलिए रखती हैं ताकि जुएं निकाल कर पुट 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 कर सकें। आजकल बच्चे गिरते हैं तो मम्मी डिटॉल से धोकर दवा लगाती हैं, जब हम गिरते थे तो हमारी माँ चींटी मर गई चींटी मर गई कहकर मामला रफा दफा कर देती थी। 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू और सेम टू यू। जब किसी के घर पर चाय पीने को मिले तो कप में नहीं पीना, गिलास में लाने को बोलना, ज्यादा आती है, आप अपने हो इसलिए बता रहा हूं। पत्नी, मैं बचूंगी नहीं मर जाऊंगी। पति, मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी, मैं तो बीमार हूं इसलिए मर जाऊंगी, पर तुम क्यों मर जाओगे? पति, मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा पगली। हमारे देश में अगर पसंद की शादी ना हो तो 2-4 बच्चे गुस्से में ही पैदा हो जाते हैं। पुराने जमाने में औरतें अपने पति का नाम नहीं लेती थीं, ना 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 ना। दो औरतें बातें कर रही थीं, उनमें से एक औरत के पति का नाम धनिया था। पहली औरत, बहन आज खाने में क्या बनाई हो? दूसरी औरत, दाल भात सब्जी और राजू के बाप की चटनी, देख रहे हो?
विज्ञान के प्रोफेसर, यदि कोई लड़की बेहोश हो जाती है तो उसे मुंह से सांस दें, उसके फेफड़ों में हवा डालें ताकि वो होश में आ जाए। कोई सवाल? छात्र, उसे बेहोश कैसे करें? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पैदल ही निकल लेते हैं ठेके की ओर जिनके पास कार नहीं होती। पत्नी, कैसी लग रही हूँ मैं आज? पति, अच्छी लग रही हो। पत्नी, एक शेर कहो ना मेरे लिए। पति, ये जो लग रही हो तुम इतनी प्यारी, इस पर लग जाती है मेरी तनख्वाह सारी। रुपया रखना है तो बैंक ऑफ वाइफ के पास रखें, थोड़ा कम होकर मिलेगा पर मुश्किल समय में लोन जरूर मिलेगा। ऐसी भी पत्नियां होती हैं। पति ने सुबह सुबह फेसबुक पर पोस्ट किया, आज की सुबह बहुत ही सुहानी है, आज का दिन अच्छा गुजरेगा। पत्नी ने लाइक किया और रिप्लाई किया, चैलेंज एक्सेप्ट। वाह पिंकी, तुम लड़के इतने पतले होते हो तो तुम्हारा कितना पतला होता होगा? पप्पू, पतला तो इंजेक्शन भी होता है लेकिन दर्द तो करारा देता है ना।